जय माता दी। पीतांबरा बड़ मल्याना कुंडला विभूषिता, अर्थात पीतांबरा, जो पीतांबर शक्ति है, अर्थात जो शक्ति आपके स्वर्ण के अंदर विराजमान है, आपके जो चेहरे का जो रंग आता है भगवती पीतांबरा की कृपा से आता है, आपके श्वास के अंदर जो आप श्वास ले रहे हो ना, आपके ब्लड के अंदर ना रक्त गणिकाएं होती हैं, प्लेटलेसेस जिसको आप बोलते हो, रेड वाली, व्हाइट वाली, पीले वाली, आपके रक्त के अंदर जो गणिकाएं भी बह रही है वो उसके कारक भी माँ भगवती पीतांबरा है। तो पीतांबरा हर व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप में विराजमान होती है। शत्रुनाशिनी, स्तंभिनी, जमनी, मोहिनी, वशीकरणी, सब विद्याएं भगवती पीतांबरा के हाथ में होती है। दश महाविद्याओं में आठवां स्थान माँ भगवती का है। पीतांबरा माता को मूल रूप में कलयुग की अधिष्ठात्री कहा गया। वो इसलिए कहा गया क्योंकि कलयुग में हर व्यक्ति का शत्रु है। ये द्वापर या त्रेता नहीं है कि जिसमें लोग एक दूसरे से जलते नहीं है या फूकते नहीं है, मतलब आज के समय में लोग एक दूसरे से जलते हैं, और असल में इन जलते हुए लोगों को सबक सिखाने के लिए भगवती पीतांबरा की आराधना की जाती है। जो व्यक्ति तुम्हारा कोई शत्रु ऐसा है जो तुम्हें अज्ञात घात करना चाहता है बिना अकारण, तुम्हें जो है तुम्हारी मृत्यु के जो है आसार बनाता है या फिर रीजन बनाता है, उन सबका सर्व सत्यानाश भगवती पीतांबरा की कृपा से ही होता है। शत्रु की जीवा स्तंभिनी इसको बोला गया। आप देखते हैं भगवती, जैसे प्रेत जो होता है, भगवती का जो स्वरूप जो होता है आप इसको जो है समझ सकते हैं, भगवती जो है सिंहासनेश्वरी होती है, सिंह के ऊपर विराजमान होते हैं। हरिद्रा सागर निवासी भगवती जो उत्पन्नता हुई है वो हरिद्रा सागर से हुई है, सिंह भगवती का जो आसन बोला गया है, और सिंह के ऊपर जो श्वेत प्रेत जो होता है उस श्वेत प्रेत के ऊपर भगवती जो है विराजमान होती है, उसे श्वेत प्रेत के रूप में विराजमान किया जाता है। और भगवती के जो हाथ में होता है वो हमेशा कारण पात्र होता है, अर्थात भगवती पीतांबरा एक हाथ से जो है भोग लेती है और एक हाथ से जो है नाश भी करती है। भगवती के हाथ में कारण पात्र जो है हमेशा विराजमान होता है, भगवती जिससे जो है कारण पान करते हैं, दूसरे हाथ में भगवती के गदा धारणी इसको बोला गया, वो दूसरे हाथ में भगवती गदा धारण करती है, तीसरे में भगवती के शत्रु का कटाशीष होता है जो कि ज्ञान का भी प्रतीक होता है और अज्ञान का भी प्रतीक होता है। ज्ञान का प्रतीक इसलिए होता है क्योंकि कटाशीष जो होता है मस्तिष्क के अंदर ब्रह्मरंध्र कपाल होता है, और ब्रह्मरंध्र कपाल के अंदर सारा ज्ञान होता है, जितनी एक्टिविटी उसने करनी होती है वो कहीं ना कहीं से इसका ज्ञान लेके आया था, इसलिए वो सारा ज्ञान जो है उस ज्ञान को समझ करके भगवती धारण करती है। अज्ञान को इसलिए क्योंकि वो जो व्यक्ति उसके मुख के द्वारा जो अज्ञानता वर्ष जो उसने वचन बोले है ना, तो उसको जो है भगवती ने ग्रास कर लिया, तो भगवती ज्ञान और अज्ञान दोनों को जो है साथ में लेकर के चलती है। जो अज्ञानी जो होता है वो जो उसका जो है जीवा ग्रास भगवती स्वतः अपने हाथों से करते हैं, इसलिए भगवती को जो है जीवा स्तंभिनी बोला गया, अर्थात स्तंभिनी विद्या। जो आपके बारे में बुरा बोले, बुरा विचार करे, आपको डिफेम करे, या आपकी जो है जीवन के अंदर सत्यता को असत्य में परिवर्तित करने का प्रयत्न करे, तो उनके जीवन में दूर करने के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए भगवती पीतांबरा की आराधना की जाती है। खुद भगवान रामचंद्र जी ने भी भगवती पीतांबरा की आराधना जो है भगवान जो है रावण जी के साथ जो है युद्ध से पूर्व जो है की थी। वहीं जो रावण ने, अहिरावण और महिरावण ने भगवती पीतांबरा की ही आराधना जो है मतलब की थी, उन्होंने कहीं कई करोड़ उन्होंने जो है आहुति इसमें डालनी शुरू की थी, क्योंकि उनका यदि यज्ञ संपूर्ण हो जाता तो भगवती पीतांबरा भद्रकाली बनकर के पूरे जो है राम जी की सेना को खा जाती और उस युद्ध को कोई जो है होने से जो है ना रोक सकता था, इसलिए उस पीतांबरा के उस अनुष्ठान को रोका गया था भगवान हनुमान जी के द्वारा। तो पीतांबरा शक्ति ऐसी है जो कुछ भी कर सकती है, जो युद्ध करवा भी सकती है और युद्ध को रोक भी सकती है। तो पीतांबरा की शक्ति की आराधना हर कलयुग में लगभग हर व्यक्ति के लिए बगला मुखी जरूरी है, क्योंकि असल में कलयुग में ना हर व्यक्ति के शत्रु है जो कि आपसे जलते हैं, आपसे फूकते हैं, आपसे आपको डिफेम करने का कोशिश करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पीतांबरा का साधक होता है ना उसको इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पीतांबरा माता की आराधना से आपके शत्रुओं का स्वतः ही नाश होना शुरू हो जाता है। आपके जो शत्रु होते हैं आपसे स्वतः आपसे दूर चले जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं इसको कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, इससे अच्छा कि मैं इससे जो है किनारा कर लूं, वो शत्रु खुद ही आपके चले जाएंगे आपसे दूर, ना वो आपको देखेंगे ना आप उनको देखोगे, तो सीधी सी बात है आपका किससे कोई टकराव भी नहीं होगा। पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा भगवती पीतांबरा जो है क्योंकि ये वाक सिद्धि देती है, वाक सिद्धि भगवती पीतांबरा के हाथ में होती है। आप कुछ भी शब्द आप बोलते हो इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं ना, आप जो बोलते हो जो है आप वही सत्य लगता है लोगों को, और वही सच्चाई होती है असल में। आप असत्य बोल ही नहीं सकते पीतांबरा की साधना करने के उपरांत, क्योंकि आपका सत्य असत्य आपके पास ही नहीं लग सकता,
पीताम्बरा की आराधना से जीवन के अंदर साधक के चमत्कार पे चमत्कार चालू हो जाते हैं। और पीताम्बरा शक्ति ही ऐसी है जो कलयुग में सार्थक है, अन्यथा कोई शक्ति सार्थक नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करके भगवती पीताम्बरा की आराधना करनी चाहिए। पीताम्बरा की साधना में एक चीज की भी गलती होने से भगवती खुद साधक का भी सत्यानाश कर देती है। इसलिए पीताम्बरा बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, क्योंकि वीरासिनी देवी है, वीर भाव जो है इसमें ही इसकी जो है आराधना होती है। तो यही जो है भगवती की साधना का जो है भाव होता है, वाम मार्गीय देवी है भगवती, पंचमंकार पे जो है विधान से चलती है। तो निस्संदेह भगवती पीताम्बरा की दीक्षा को ग्रहण करके भगवती की जो है साधना आराधना करनी चाहिए। जय श्री महाकाल, जय कामाख्या।